हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा MySQL कोर्स से रिलेटेड 28 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप MySQL की प्राइमरी की और फॉरेन की नाम के दो कांस्टेंट सीखने वाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है MySQL के अंदर जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं, जिसमें से ऊपर के जो चार कांस्टेंट्स है ये हम अपनी MySQL की 6 वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्राइमरी की और फॉरेन की। जैसा कि मैंने आपको 6 वीडियो में बताया ही था कि कांस्टेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन किस पे, टेबल के कॉलम्स पे, कि उसके अंदर कैसा डाटा आना चाहिए और कैसा डाटा नहीं आना चाहिए। तो जो प्राइमरी की है और फॉरेन की है ये भी रिस्ट्रिक्शन का ही काम करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि प्राइमरी की क्या है। देखिए, जब भी हम किसी कॉलम को प्राइमरी की सेट करते हैं तो उसके अंदर हमेशा यूनिक डाटा आएगा, मतलब कि उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होगी। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, ये काम तो हम यूनिक नाम का जो हमारा कांस्टेंट होता है उससे भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि आप ये काम उससे भी कर सकते हैं, मगर यूनिक कांस्टेंट और प्राइमरी की में एक डिफरेंस होता है। जो यूनिक कांस्टेंट होता है उसके अंदर नल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं हम, मगर यहाँ पे जो प्राइमरी की है उसके अंदर हम नल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और प्राइमरी की में एक लास्ट पॉइंट और है कि जब भी हम किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की सेट करते हैं तो सिर्फ हम एक ही कॉलम को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। यूनिक कांस्टेंट की तरह हम ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीपल कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट लगा देते हैं, जैसे उस तरह हम यहाँ पर प्राइमरी की के केस में ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर जब भी हम किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कॉलम पे प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल में मैं आपको सब समझाता हूँ। यहाँ देखिए, एक स्टूडेंट का एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे चार कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, नेम, एज और सिटी। यहाँ पे जो हमारा कॉलम है नेम, देखिए उसमें भी डुप्लीकेसी हो सकती है। देखिए, जैसे रामकुमार नाम का कोई स्टूडेंट है तो एक ही कॉलेज के अंदर रामकुमार नाम के दो स्टूडेंट भी हो सकते हैं। एज में भी डुप्लीकेसी हो सकती है, जिसकी एज 19 है तो ऐसे कई स्टूडेंट की एज 19 हो सकती है। और जैसे सिटी आ रहा है तो सेम ही सिटी से, जैसे आगरा है तो आगरा से ही हमारे कई स्टूडेंट आ सकते हैं, तो इसमें भी डुप्लीकेसी हो सकती है। अब अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जिसका नेम है आईडी, तो यही एक ऐसा कॉलम है जिसको हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये ऊपर की दोनों कंडीशंस हैं वो इस कॉलम पे सेटिस्फाइड हो रही है। देखिए, इसके अंदर जब भी कोई डाटा आएगा वो यूनिक आईडी होगा, क्योंकि कॉलेज के अंदर आप जानते होंगे हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होता है। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेगा तो उसको हम एक यूनिक आईडी जरूर देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे को टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल नाम की हमारी जो कमांड है उसको लिखना है, क्रिएट टेबल। उसके बाद आ जाएगा टेबल का नेम। अब जैसे कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा ही है, अगर हम वही टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे आईडी नाम से, उसकी डाटा टाइप हमने रख दी इंट, फिर नॉट नल, और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यूज किया जिसका नाम है ऑटो इंक्रीमेंट। इसका मतलब होता है कि जब भी हम इस टेबल के अंदर कोई नई एंट्री इंसर्ट कराएंगे तो हमें आईडी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। फर्स्ट टाइम जब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू सेट करेंगे तो ये अपने आप 1 ले लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 और फिर 3। इसके बाद हम एक दूसरा कॉलम बना लेंगे नेम नाम से, उसमें डाटा टाइप ले ली वेयर कैर और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी कि उस पर मैक्सिमम 50 करेक्टर्स ही आ सकते हैं, और उसको भी नॉट नल रख दिया कि उसमें कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। इसके बाद हम अपना थर्ड कॉलम बना लेंगे एज, इसकी डाटा टाइप इंट है और नॉट नल रख दिया। इसके बाद हमने लास्ट अपना कॉलम बना लिया सिटी, इसको हमने वेयर कैर रखा है और नॉट नल। अब हमें प्राइमरी की सेट करनी है तो उसके लिए हम लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे एक कीवर्ड जिसको आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, प्राइमरी की। उसके बाद आपको राउंड ब्रेसेस के अंदर उस कॉलम का नेम देना है जिसको आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आईडी को सेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी लिख दिया, और इसके बाद आपको ये कमांड क्लोज कर देनी है। तो ये एक तरीका था जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी की को कैसे सेट करना है। अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी कोई टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है और उसके किसी कॉलम को आप प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। देखिए, उसके लिए हमारे को यहाँ पे ऑल्टर कमांड यूज करनी पड़ती है। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम, मतलब कि जिस टेबल में आपको ऑल्टरिंग करनी है, मतलब कि मॉडिफिकेशन करनी है, उसको हम ऑल्टरिंग कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ऐड के बाद आपको वो की बतानी है जो आप उसमें डालना चाहते हैं। तो देखिए, मैं प्राइमरी की डालना चाहता हूँ, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस के अंदर उस कॉलम का नेम देना है जिस कॉलम को मैं प्राइमरी की सेट करना चाहता हूँ। तो ऑल्टर कमांड से हम किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर किसी भी कॉलम को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी की देखते हैं जिसका नाम है फॉरेन की। देखिए, जो फॉरेन की होती है, हम किसी कॉलम को जब भी किसी टेबल के अंदर फॉरेन की सेट करते हैं तो उसका एक ही यूज होता है कि वो होता है कि हम किसी दूसरे टेबल के साथ उसको लिंक करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो फॉरेन की से रिलेटेड एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसके अंदर सिर्फ वही वैल्यू आती है
जो किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की के अंदर होती हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम दो टेबल्स को कनेक्ट कर सकें, मतलब कि उनके बीच में एक लिंक बना सकें। आइए इसको मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है सिटी, इसके अंदर हमने दो कॉलम लिए हैं CID और एक है सिटी का नेम, मतलब कि सिटी। तो हमने उसको एक ID दे दिया और उसको एक नेम भी दे दिया। अब हमारे पास एक दूसरा टेबल है स्टूडेंट टेबल, जिसके अंदर हमारे पास चार कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पे ID है, नेम है, एज है और सिटी है। अब जो कि हमारा सिटी टेबल है, हम इसमें CID जो हमारा कॉलम है, इसको हम बना देंगे प्राइमरी की। और इसी तरह अगर हम स्टूडेंट टेबल में देखें तो यहाँ पर भी एक ID है जो कि एक यूनिक चीज़ है, उसको भी हम बना देंगे प्राइमरी की। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉलम है जिसका नाम है सिटी, इसके अंदर सिटी के नेम्स आ रहे हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एक सिटी टेबल नाम से एक नया टेबल भी क्रिएट कर लिया है और उसके अंदर सारे सिटी के नेम डाल दिए, तो यहाँ पर अब हम सिटी के नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर अब हम उसके ID सेव करवाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, अब ID आ रहे हैं यहाँ पे। तो इस कॉलम को, जो सिटी नाम का हमारा कॉलम है, इसको हम सेट कर देंगे फॉरेन की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉरेन की वाले कॉलम के अंदर सिर्फ वही वैल्यू होती है जो किसी दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है। ये देखिए, ये प्राइमरी की वाला कॉलम था, इसी की वैल्यूज को हमने यहाँ पर जब सेव कराया तो ये बन गया फॉरेन की। यहाँ देखिए, आगरा की जो ID है वो है 1, तो यहाँ पे भी हमने आगरा सेट किया, और यहाँ पे भी भोपाल की ID है 2, तो उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और दिल्ली की है 3, तो उसको लास्ट में हमने रिकॉर्ड में सेट कर दिया 3। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ये भी बताया था कि हम फॉरेन की का यूज़ तभी करते हैं जब हमने दो टेबल्स को लिंक करना हो। तो अब हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर ID क्यों सेव करवाया, यहाँ पर ऑलरेडी नेम तो आ ही रहे थे। तो देखिए, इस तरह जब भी हम किसी कॉलम को फॉरेन की सेट करते हैं और यहाँ पे ID वगैरह सेव करवा लेते हैं, तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। एक तो पहला जो बेनिफिट है इसका ये है कि हमारा जो स्टूडेंट टेबल है वो काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा, उसमें अननेसेसरी बार बार आगरा, भोपाल, 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 दिल्ली, 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 इस तरह सेव नहीं होगा, सिर्फ ID सेव होंगे। और जब इसमें डाटा कम होगा तो ये लोड भी फास्ट होगा। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इसके अंदर जब हम सर्चिंग करेंगे सिटी वाइज, जैसे कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट वो दिखाए जो दिल्ली से आते हैं, तो इस तरह की सर्चिंग में ये जो टेबल है काफ़ी फास्ट वर्क करेगा। इसके कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम जब भी किसी टेबल के अंदर किसी कॉलम को फॉरेन की सेट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। अब हम पिछले वाला एग्जांपल ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम एक ID नाम का एक कॉलम बना लेंगे, उसको हमने नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, फिर नेम ले लिया, फिर उसके बाद एज और यहाँ पे सिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे को सेट करनी है प्राइमरी की। तो देखिए, हमने प्राइमरी की लिखा और उसके बाद यहाँ पर हमने उस कॉलम का नेम दे दिया जिस कॉलम को हमने प्राइमरी की सेट करना था। प्राइमरी की सेट करने के बाद हमारे को दूसरी की लेनी है फॉरेन की, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉरेन की। आपको इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, फिर उसके बाद आपको उस कॉलम का नेम देना है जिसको आपने फॉरेन की सेट करना है। तो हमने सिटी जो हमारा कॉलम है उसको फॉरेन की सेट कर दिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है रेफरेंसेस, इसका मतलब होता है कि ये किस दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने टेबल का नेम लिखा सिटी और उसके अंदर एक कॉलम था CID, तो देखिए हमने उसको इसके साथ लिंक कर दिया, और इसके बाद हम इस कमांड को क्लोज कर देंगे। तो ये है हमारा तरीका जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, उस समय अगर हम किसी कॉलम को फॉरेन की सेट करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके की कमांड लिखेंगे, फॉरेन की, कॉलम का नेम, रेफरेंसेस, फिर टेबल का नेम, फिर उसकी प्राइमरी की। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है और उसके किसी कॉलम को हमने फॉरेन की सेट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ऑल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, उसके बाद मैं लिखूंगा ऐड, और फिर हम लिखेंगे फॉरेन की, और फिर जिस कॉलम को हमने फॉरेन की सेट करना है उसको राउंड ब्रेसेस के अंदर दे देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे रेफरेंसेस, फिर दूसरे टेबल का नेम, और उसकी प्राइमरी की वाला जो कॉलम है उसका नेम हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे CID। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम एक्चुअल लाइफ में किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की को कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप MySQL के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और MySQL को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसका नाम है MySQL Workbench। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया MySQL Workbench। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे पास SQL Editor ओपन हो चुका है।
अब यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा कि हमारा एक डाटाबेस है जिसका नाम हमने रखा हुआ स्टूडेंट। इसके अंदर हमने एक ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना के रखा हुआ जिसका नाम है पर्सनल, ये देखिए। तो इस टेबल के अंदर हमने ना ही कोई प्राइमरी की सेट की है और ना ही कोई फॉरेन की। तो इस टेबल को मैं ऑल्टर भी कर सकता हूँ, मगर अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप टेबल पे। ये मेरे से पूछेगा कि आपने इसे ड्रॉप करना है, तो मैं ड्रॉप नाउ कर दूंगा। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है। अब सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऑलरेडी मैंने एक कमांड बना के रखी हुई है, मैं उसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी नोटपैड की फाइल है, मैंने इसमें ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट कर रखा है सिटी नाम से। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल सिटी, और यहाँ पे एक सी आई डी लिया है एक कॉलम का नेम, और एक कॉलम का नेम लिया है सिटी नेम। ऊपर वाले कॉलम को हमने इंट लिया है नॉट नल और ऑटो इंक्रीमेंट दिया है। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के बीच में आपको अंडरस्कोर का साइन लगाना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने सिटी लिया है वेर कैर, उसमें लिमिट लगाई है कि उसमें सिर्फ 50 करेक्टर्स ही आ सकते हैं। उसके बाद हमने नॉट नल लिया और यहाँ पर हमने प्राइमरी की सेट की है कॉलम को जिसका नाम है सी आई डी। तो देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस कमांड को। तो यहाँ पर मेरी जो ये कमांड है टेबल क्रिएट हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। तो अभी ये टेबल जो है बिल्कुल खाली है, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू सिटी और उसमें सिर्फ मेरे को एक ही कॉलम की वैल्यू डालनी है सिटी नेम की। यहाँ पर हम सिटी आई डी की वैल्यू नहीं डालेंगे क्योंकि उसको हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है, तो वो वैल्यू अपने आप आ जाएगी, 1, 2, 3, 4 अपने आप आ जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़। तो मैंने पहले एक वैल्यू दी है, फिर हमने दूसरी वैल्यू दी दिल्ली, फिर भोपाल, फिर जयपुर और लास्ट में नोएडा। तो मैं इस कमांड को भी एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और ये देखिए मेरी ये कमांड भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर जाके जो हमारा सिटी नाम का कॉलम है इसको टेबल को शो करता हूँ। ये देखिए मेरी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं। अब इसके बाद मैं अपना दूसरा टेबल भी क्रिएट कर लेता हूँ पर्सनल नाम से। तो देखिए इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर क्रिएट वाली कमांड है और नीचे इंसर्ट वाली, यहाँ पे जाके मैंने इसे पेस्ट किया। तो सबसे पहले मैं ऊपर आपको ऊपर वाली कमांड चेक करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने लिखा क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम पर्सनल और उसके अंदर हमने मल्टीपल कॉलम्स लिए हैं। एक लिया है आईडी, उसको नॉट नल रखा है, यहाँ पर मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया है। फिर उसके बाद हमने लिया नेम, फिर उसके बाद परसेंटेज, फिर एज, फिर जेंडर, फिर सिटी और लास्ट में मैंने प्राइमरी की और फॉरन की सेट की है। तो प्राइमरी की सेट किया मैंने आईडी नाम के कॉलम को और फॉरन की लिखा फिर सिटी, और यहाँ पे मैंने सिटी नाम का जो हमारा कॉलम है उसको सेट किया है क्योंकि मैं उसी कॉलम को यहाँ पे फॉरेन की सेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस में दूसरे टेबल का नाम दिया सिटी जिसको मैंने अभी क्रिएट किया है। उसके अंदर मैंने एक सीआईडी नाम का एक कॉलम लिया था जिसको मैंने प्राइमरी की सेट किया था, उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी ऐड कर दिए इंसर्ट कमांड को यूज़ करके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये दोनों कमांड्स एक साथ ही रन हो जाएंगी जब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरा टेबल भी क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर ये मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर हो चुकी हैं। मैं अभी आपको इसको चेक कराता हूँ। पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। ये देखिए पर्सनल पे मैंने क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग जो हमने दूसरा टेबल बनाया था सिटी उसकी मल्टीपल यहाँ पर आई डी स्टोर करा दिए क्योंकि ये कॉलम जो है एक फॉरन की है। तो ये था एक तरीका कि हम कैसे किसी टेबल के अंदर एक प्राइमरी की और एक फॉरेन की को सेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अब आईडी दिख रहे हैं, नेम नहीं दिख रहे, जिससे कुछ पता नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे सिटी का नेम शो करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी हम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर सिटी का नाम शो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपनी ज्वाइन क्लॉज, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ज्वाइन क्लॉज को यूज करके हम कैसे दो टेबलों का डाटा एक साथ ला सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।